हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे अपने यूट्यूब चैनल में जो वीडियो होता है उसमें हम कैसे सॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, क्रिएटर होते हैं यूट्यूबर, वो आके कैसे अपने वीडियो में नो कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। तो हम भी उसी तरह से अपने वीडियो में सॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो वीडियो होगा वो उसमें ना ही कॉपीराइट आएगा, ना ही हमें जो कोई भी प्रॉब्लम होती है वह कॉपीराइट का नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि हम कैसे नो कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं। यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो भी वीडियो अपलोड करना है उसके पहले हमें जो भी सॉन्ग हम लगाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर सर्च करना होगा। तो चलिए हम सर्च करते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए कोई भी सॉन्ग को सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रिमझिम सावन की बूंदी, इसे सर्च करते हैं। हमें सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा कोई भी सॉन्ग। मान लीजिए इस सॉन्ग को हम सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत से सॉन्ग आ गए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली वीडियो में अपलोड करेंगे सॉन्ग को तो हमारा जो वीडियो है वह कॉपीराइट आ जाएगा, जिससे हमारी जो भी इनकम होगी वह नहीं होगी। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम बिना कॉपीराइट का सॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे सिंपली फिल्टर्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएटिव कॉमर्स, हमें यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत से सॉन्ग आ गए हैं। इस वीडियो में आप जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं आपको सिंपली इसे ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके वैल्यू को धीमा कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये साइलेंट नहीं रहेगा तो हमारा जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा सॉन्ग की वजह से। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना होगा। कोई भी सॉन्ग अगर हम इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपली मान लीजिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें लगाना चाहते हैं वीडियो में। देखिए अगर आप इस वीडियो को मान लीजिए इस सॉन्ग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप ऐसे ही डायरेक्टली वीडियो में सॉन्ग नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कॉपीराइट क्लेम इसमें भी आ सकता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने का देखिए यहाँ पे जिस जो आप सॉन्ग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा क्रिएटिव कॉमन्स। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस, यानी आप इस सॉन्ग को किसी भी वीडियो में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कैसे वीडियो में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम इस सॉन्ग को वीडियो में अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली वीडियो बनाना चाहते हैं आप सिंपली इसे ऑन करके बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई आप वीडियो पहले से बनाए हुए हैं तो आप इसमें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम इस वीडियो को में सॉन्ग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे जो भी यहाँ पे टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, आप सब यहाँ पे फिलअप करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पे कुछ भी टाइटल जो होगा जिस बारे में आप उस बारे में टाइटल लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे दीपावली के बारे में है तो हम यहाँ पे सिंपली दीपावली के बारे में कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं जो हमारे जिस वीडियो के बारे में होगा उस पर हमें सिंपली यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हमारा जो सॉन्ग होगा ये वाला वो पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह नो कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो कि आपका जो वीडियो होगा वह कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो में कभी नहीं आएगा। तो फ्रेंड आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।